मेरा नाम विनय चौधरी है, मेरा पिताजी है प्रेमन चौधरी है, बसंती देवी। हम रहते हैं सुगिया पारा वैष्णव गली होर्डिंग नंबर 23। सुदिया मठ जगद्दले आयोजित होते चले बैरकपुर एमपी का क्रिकेट टूर्नामेंट। अंश ग्रहण करते जोगाजोग करुन ए नंबर। नवदेव सिंह जब से गुजरा है तब से हम भारत देते गए हैं। एक साल तक उसका बेटी ज्योति है उसका माँ पैसा लेते गया। हम जब रसीद मांगे तब बोला कि नहीं घर खाली करो, तो हम बताओ हम बूढ़ा बूढ़ी लेके हम कहाँ जाए। थाना में गए, कागज है सब प्रूफ है, तब वो थाना ला मेरा नहीं सुन रहा। बोले दर्जी का काम करते हैं, अब बोलता है कि घर खाली करो डायरेक्ट, उसका बाद घर खाली करो, उसका बाद तुम लोग को टट्टी पे खाना जाने हम देंगे। माँ बाबा जाता है तो लोगों को फोटो खींचता है बाड़ी, और उसका संग में साथ देता है ललन चौधरी। आज ज्योति ज्योति जो ना बहुत उछल रहा है, गाड़ी पकड़ दे रहा है, मेरा दुआरी पकड़ माँ बहन कर रहा है। भाटपाड़ा वार्ड नंबर 13 अंतर्गत सुगियापाड़ा निवासी विनय चौधरी ने अपने मकान मालकिन ज्योति सिंह पर लगाया था घर खाली करवाने एवं इस वार्ड के पार्षद लल्लन चौधरी पर उसका साथ देने का आरोप। देखिए इस पर ज्योति सिंह का बयान। नमस्ते, मैं ज्योति सिंह हूँ। जो मेरे नाम पे अभी मीडिया में सोशल मीडिया में जो अफवाह फैली है कि हम एक रेंटर को टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग निकालने का जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत बात है। आप अभी जाके उसके घर पे देख सकते हैं, वो अभी अपने घर पे ही है, ठीक है। अगर हम लोग निकाल देते तो वो अपने घर पे नहीं रहता। ये मैटर सरासर झूठ है, वो बस बदनाम किया जा रहा है मुझे और कुछ भी नहीं। इस बात को लेके इतनी मेंटली मैं टॉर्चर हूँ कि आज मैं अपना दिखाना चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल से अभी जस्ट अपने घर पे आई हूँ। मेरा बहुत तबीयत खराब है, मेरा इतना कंडीशन खराब है, ये डीपली हम इतना प्रेशर में है कि हम आपको बता नहीं सकते। नवदेव सिंह जब से गुजरा है तब से हम भारत देते गए हैं। एक साल तक उसका बेटी ज्योति है उसका माँ पैसा लेते गया। हम जब रसीद मांगे तब बोला कि नहीं घर खाली करो, तो हम बताओ हम बूढ़ा बूढ़ी लेके हम कहाँ जाए। पापा पैसा लेते थे, ठीक है ना, और रसीद देते थे। एक हाथ में वो पैसा देते थे, एक हाथ में वो रसीद लेते थे, विदाउट रसीद पैसा नहीं देता था। ये सरासर झूठ है कि एक साल भाड़ा हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग एक साल भाड़ा रहते तो वो पुराना रेंटर है, ऑब्वियसली वो रसीद लेता ही लेता। थाना में गए तो कोनो अच्छी नहीं कर रहा, थाना का जो लिया कर रखे हैं मेरा कागज है सब प्रूफ है, तब वो थाना ला मेरा नहीं सुन रहा। पापा डेट कर गए, उसके बाद हम लोगों ने उसे पैसा नहीं मांगा। उसके बाद सडन मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोगों को पैसा का ज़रूरत था। उसके बाद मेरी मम्मी ने उससे पैसा मांगा तो वो बोला है कि रसीद तो तब हम पैसा देंगे, तो मेरी मम्मी बोली कि हम रसीद कहाँ से लाएंगे, ये तो मेरे हस्बैंड थे तो आपको रसीद मिलता था, हम लोग कैसे देंगे। उसी के लिए जी में आया था, बहुत झगड़ा झूठ झमेला किया, उसके बाद यहाँ के फंसाया कि मेरा भैया ने उसको मारा है। वो बुजुर्ग लेडी वो बोल रही है कि मेरे को मारा है अनिल सिंह ने, थाना में जाके बोली। वो लोग भी थाना में गया था तो हम बोले कि पहले प्रूफ देखिए, ठीक है ना, मेरा भैया का 8 गो टाका पड़ा है घुटना में, वो चल नहीं पा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो मेडिकल खुद प्रॉब्लम में है, तो वो मार कैसे सकता है। हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैंने GD भी कराई थी इस बात से, तो पुलिस ने उनको झाड़ा भी था, पुलिस उनको बोला था कि आप इतना झूठ झूठ अफवाह क्यों फैलाते, इसलिए वो बोल रहा है कि पुलिस मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। पुलिस आके अगर देखेगी मेरा भैया बेड पे है तो कैसे उसको बात पे विश्वास करेगी, मेरे बात पे विश्वास करेगी ना उसके बात पे विश्वास करेगी। उसका घर गए आराम से, बोले गाड़ी अली पैसा ले लीजिए, तो बोला नहीं पैसा नहीं लेंगे, अब तुम लोग घर खाली करो, उसका बाद तुम लोग को टट्टी पे खाना जाने हम देंगे। माँ बाबा जाता है तो लोगों को फोटो खींचता है बाड़ी में। आज मेरा पिताजी गया तो फोटो खींच रही है, और 2 दिन पहले माँ को फोटो खींच रहा टट्टी में, बताइए। मेरी मम्मी के बारे में बोला है कि वो बाथरूम नहीं जाने देती है, मेरे बोलने का मतलब है वो बाथरूम जाती है, मेरे पास प्रूफ है उसका बाथरूम जाने का। क्यों? क्योंकि वो पूरा इंडिया में सबको घूम घूम के बोल रही है कि उसकी मम्मी उसकी लड़की लोग झगड़ा करती है, मेरे को बाथरूम जाने नहीं देती है। तो मेरे को सबको ही बोला कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोलता है कि तुम लोग बाथरूम नहीं जाती हो, तो वो जो बोला है कि मेरा वीडियो बनाने का, हाँ मैंने वीडियो बनाया, इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि वो लोग झूठ झूठ अफवाह फैलाता है कि हम बाथरूम नहीं जाते, इसलिए मैं वीडियो बनाई, मेरे पास फ़ोन में प्रूफ रहे कि प्रूफ के सबूत के साथ चल। जी हाँ मैं सबूत के लिए बना रही हूँ, मेरे फ़ोन में डेट बाई डेट वीडियो है, वो लोग रोज़ बाथरूम करने आते हैं। जी ज़रूर मैं सोशल मीडिया में खुद पोस्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग मेरे बाथरूम में रोज़ आते हैं, डेट बाई डेट मैं दे सकती हूँ, और वो लोग झूठ बाहर में जाके बोलते हैं कि उसकी लड़की उसकी मम्मी उसका लड़का हमको बाथरूम करने नहीं देता है, झगड़ा करता है। इस प्रोसेस में मैंने वीडियो बनाया, क्या मैंने ये गलत किया? ललन चौधरी बहुत
और सामने में नहीं आ रहा, पीठ पीछू अथी कर रहा है। मेरा संग में एगो भाभी है, एगो भाई है। भाभी जाता है टट्टी करने तो बल्टी उल्टी बिक देता है, बाड़ी में गाड़ी कुत्ता देता है। ज्योति सिंह मेन है, उसका बेटी ज्योति सिंह कैलालन से शादी किया क्यों, का किया नहीं किया हमको मतलब नहीं है। लगा रहे हैं कि आपका किसी से संबंध है, आप बताइए कि ललन चौधरी से आपका क्या रिश्ता है? ललन चौधरी से बस मेरे चाचा और भतीजी का रिश्ता है, सब कोई जानता है मेरे पापा को श्री इंद्रदेव सिंह, ठीक है। वो पार्टी करते थे, उसके बाद उनके घर आना जाना था, बहुत अच्छा मेरे पापा से संपर्क था, मेरे पापा के वो दोस्त हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग मेरे भैया उनके पास रहते हैं, मेरे भैया ने खुद अंकल को बोला था कि देखिए अंकल ऐसा ऐसा बात है, तो अंकल ने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, 14 नंबर वार्ड में घर पड़ता है, ठीक मेरा घर जहाँ ख़त्म होता है वहीं से 13 नंबर वार्ड स्टार्ट होता है, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ, अगर जीतू साहब मना कर दिया है तो मैं कहाँ जाऊँ, 13 नंबर वार्ड में ही जाऊँगी ना बगल में। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं उनको भी बुलाऊँगा, उनके भी फैमिली को बुलाऊँगा और आपके भी फैमिली को बुलाऊँगा, आप लोग दोनों बैठ के राय मशवरा कर लीजिएगा। जी शादी कर लिए ऐसा कुछ नहीं, क्या उनके पास कोई प्रूफ है? मैं इसके लिए उनके नाम पे मैं केस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी मेंटली बहुत टॉर्चर हूँ। जी हाँ मैं करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरा मेंटली कंडीशन एकदम सही नहीं है, उन लोगों ने ऐसा ऐसा बोला, मेरा पूरा फ्यूचर मेरा पूरा करियर जो आरोप लगाया जा रहा है मेरे और ललन अंकल के बारे में कि ऐसा ऐसा मैंने उनके संग शादी किया है, तो मैं अभी मीडिया के सामने में विनय चौधरी को जो मेरे ऊपर लालछन लगाया उनको हम प्रूफ मांगती हूँ कि वो अभी प्रूफ दे मुझे, और नहीं दे तो में प्रूफ करे, मैं उनके नाम पे मान हानि का केस करूंगी। आज तक आईन के हिसाब से चलती आई हूँ और आईन के हिसाब से चलूंगी, मैं का बात है, ठीक है ना, मेरा पूरा करियर। वो लोग देखिए वो लोग क्या चाहता है कि मेरा घर हड़पना, ऐसे करके तो वो मेरा घर ही हड़पना चाहता है ना, क्यों? क्योंकि वो मेरे को बदनाम कर रहा, सोच रहा है कि बदनाम कर देगा तो वो घर से नहीं निकलेगा। अरे भाई घर से निकलने का हम लोग उसको बोले ही नहीं है, वो लोग तो खुद, अच्छा ठीक है वो मीडिया के सामने बोल रहा है कि हम बूढ़ा बूढ़ी को लेके कहाँ जाएंगे, और वो लोग हमसे हम लोग से 2 लाख रुपया का मांग किया है, इस बात का प्रूफ मैं खुद दे सकती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने किसी और से बुलवाया था कि हमको 2 लाख रुपया चाहिए तब हम अपना घर खाली कर देंगे, तुम्हारा घर, ठीक है। तो अच्छा आप बताइए, हम और मेरी मम्मी रहते हैं, हम लोग 2 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बस हम इस विषय पर हमारे हाथ लगा एक ऑडियो क्लिप जिसमें आरोपीकर्ता विनय चौधरी के किसी सहयोगी द्वारा ज्योति सिंह से घर खाली कराने के इस बाबत 2 लाख रुपए की मांग करते सुना जा सकता है। घर ते को मिलेगा नहीं, वो लोग का पश्चिमी कोर्ट सपोर्ट करेगा, लिख ले ते अगर घर बाड़ी बनाने सोच रही तो बनेगा नहीं, आ रहा है समझ में? अरे भाई क्यों, हम लोग तो जिनवीन है, हम लोग कहाँ गलत है। चल चल ठीक है, आज देखो समझ में नहीं आ रहा, जब केस टनाएगा 5 साल 10 साल हमेशा उम्र नहीं ना रहेगा, अभी जैसे बोल दिए हैं, क्योंकि हम लोग के पास 2 लाख रुपया नहीं है, हम लोग के पास देने को उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो देख ले अपना हिसाब सोच ले, बैठ के बात कर। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि झगड़ा लड़ाई होगा, हमको आगे का दिन खराब दिख रहा है, तुम जो अमन का बात बोल रहे हो। हम अमन का बात इसलिए बोले कि कुछ दिन पहले भी झगड़ा में तुमको बहुत कुछ सबको बोल चुका है, वो जानती है, तुमको पता है उल्टा खोपड़ी। हम इसलिए बोल रहे की एक चीज में बुद्धिमान इंसान से ना डर नहीं, डरना नहीं चाहिए, लेकिन जो मोटा दिमाग का है ना उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है कब कौन क्या कर देगा, देखो अच्छा सा पता है, इसीलिए बोल रहे हैं। अब वो कौन है, वो तो घर का कुछ लगता भी नहीं है, उना घर का बेटा है ना उसका घर है। यही बात बोली पॉइंट डाला, या वो कोई लगता नहीं है, यही बात सुनना था। हालांकि हम इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि क्या ज्योति सिंह से रुपए ऐंठने में असफल होने के बाद ही वे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि वो लोग ने पहले केस किया, हम लोगों ने नहीं, उसके बाद हम लोगों ने केस किया तो देखा कि वो लोग हार जाएंगे हम जीत जाएंगे, उन्होंने जब वो नहीं सके तो बोले कि गाली दिया है, ये किया, वो कहाँ नहीं गया है, वो लोग हर जगह जाके कहाँ कहाँ नहीं जाके। लास्ट आपका क्या कहना है? लास्ट ये कहना है, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरा जो है अधिक से अधिक लोग देखे और इस वीडियो को वायरल करे, और प्लीज मुझे इस बात की इंसाफ चाहिए और मुझे प्रूफ चाहिए कि उन्होंने जो ऐसा करके बोला है उनके पास क्या प्रूफ है। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं एक पढ़ने वाली लड़की हूँ, मैं इस बात से मैंने आपको दिखाया जैसा कि मैं हॉस्पिटल से जस्ट अभी आई हूँ, क्योंकि मेरा मेंटलिटी बहुत, मैं बहुत टॉर्चर हो चुकी हूँ इस बात को लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच। भाटपाड़ा से रवि सिंह की रिपोर्ट।
জন্মদিন বা অন্নপ্রাশন, বিবাহ হোক বা রিসেপশন, বিল টু ক্যাটারিং করে সেরা পরিবেশন। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের আধুনিক ও সুরুচিকর খাদ্য পরিবেশক বিল টু ক্যাটারার। যোগাযোগের ঠিকানা কাকিনাড়া নারায়ণপুর